किसान बिल के विरोध में कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयूआई की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एनएसयूआई संगठन के जिला उपाध्यक्ष दिनेश चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार किसान विरोधी तीनों कृषि बिल वापस ले, इस मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में अब कांग्रेस और एनएसयूआई संगठन के प्रदेश आह्वान पर तमाम कार्यकर्ता दिल्ली की ओर कुछ करेंगे। इसके लिए अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और हजारों की संख्या में राजस्थान से कार्यकर्ता जयपुर से होते हुए दिल्ली पहुंचे। इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। सभी को 4 जनवरी को जयपुर कांग्रेस मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा और केंद्र सरकार कृषि कानून बिल को वापस लेने के साथ ही विभिन्न मांगों को माने इसके लिए बाध्य किया जाएगा। आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, कल एनएसयूआई के कार्यकर्ता किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे। इस रैली का पोस्टर विमोचन आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया है और कल जो हमारे देश में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है किसान बिल को वापस लेने के लिए, तो किसानों को और मजबूती प्रदान करने के लिए एनएसयूआई यहाँ के राजस्थान के युवाओं के साथ दिल्ली कूच करेगी और बड़ी से बड़ी तादाद में बॉर्डर पर कूच करके इस बिल को वापस लेने का दबाव मोदी सरकार पर बनाए। कितने संख्या में लोग कूच करेंगे? कल हमारे प्रदेश नेतृत्व तो एक रूप में कम से कम 10,000 से 10 से 15,000 युवाओं के साथ दिल्ली कूच होगी, जिसका हरी झंडी दिखा के पीसीसी के सदस्य हमें वहाँ हरी झंडी दिखा के रवाना करें। दिनेश चौधरी, एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष अजमेर। आज अजमेर एनएसयूआई ने किसान आंदोलन के समर्थन में कल हमारी एनएसयूआई की जयपुर से दिल्ली तक साइकिल यात्रा हम करेंगे, उसका हमने पोस्टर विमोचन आज अजमेर यहाँ कलेक्टर कार्यालय के बाहर किया है, जिसको जो मोदी सरकार किसानों की जो आज 39 से 40 दिन आज होने को आए हैं और वो किसानों की बात को अनदेखा करते जा रहे हैं। किसान जब पूर्ण इस बात पे अड़े हुए हैं कि इन तीनों काले कानूनों को आप वापस ले लीजिए, तो हम मोदी सरकार से साइकिल यात्रा करके राजस्थान के युवा, राजस्थान एनएसयूआई के छात्र युवा, हम ये मांग करेंगे कल जयपुर से साइकिल यात्रा करके दिल्ली तक कूच करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन और हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ऊर्जावान अभिषेक चौधरी जी के नेतृत्व में हम जयपुर से कल दिल्ली साइकिल रैली कूच करेंगे। अब्दुल फरहान खान, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय।